विभिन्न अंचलों में अपना घर बार छोड़ नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों की राशन की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ देश भर में जरूरतमंदों को मिल रहा है। प्रदेश में इस योजना का कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में एक देश एक राशन कार्ड योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीणों और प्रवासी मजदूर वर्ग को बहुत लाभ मिला है। अब वह देश भर में किसी भी राशन दुकान से अपना राशन कार्ड दिखाकर अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। ये योजना उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हुई है जिनका मूल निवास किसी और जगह का है, लेकिन काम की तलाश में वे किसी अन्य शहर या नगर में निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के योगेंद्र दमाहे भी बताते हैं कि इस योजना के शुरू होने के बाद उन्हें काफी लाभ मिला है। योगेंद्र ने बताया कि वैसे तो उनकी पीडीएस की दुकान परसवारा में है, लेकिन वे हट्टा से राशन ले रहे हैं। मैं राशन लेने के लिए आया था, मेरा तो राशन दुकान परसवारा सोसाइटी पड़ती है, पर मैं आजकल ऐसा नियम चालू हो गया लग गया है कि राशन कार्ड जहाँ भी है, जहाँ राशन कार्ड है तो कहीं से भी राशन ले सकते हैं, तो इसलिए मैं अपना राशन कार्ड लेकर आ गया हूँ पट्टा में। आज मुझे राशन कार्ड राशन की जरूरत पड़ी घर में। इस स्कीम से बहुत अच्छा लग रहा है कि राशन वालों कहीं किसी संबंध में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, जब चाहो तब ले सकते हैं, बस राशन कार्ड साथ में हो कोई भी सोसाइटी से राशन ले सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम के तहत मेरा खुद का राशन कार्ड कार्डधारी मुझे भारत देश में कहीं पर भी राशन मिल सकता है, लेकिन मैं वर्तमान में हट्टा सोसाइटी से राशन ले रहा हूँ और बकायदा मेरे को मिलते जा रहा है। इसके तहत हम किसी भी दुकान में किसी भी जिले में जाकर किसी भी राशन दुकान से राशन खरीद सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना से जहां जहां फर्जी राशन कार्ड और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, वहीं इस स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक हुआ है। बालाघाट से जनेंद्र बुर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।